मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा, मैं अरेस्ट कर लूंगा। मणिपुर से शुरू हुई राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा अब मुश्किल में फंस गई है। मणिपुर नागालैंड होते हुए ये यात्रा असम पहुंची है और यहां राज्य के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने राहुल गांधी के साथ खेल कर दिया है। असम में घुसने से पहले ही हिमंत बिस्वा सरमा ने रूट को लेकर चेतावनी दी थी कि अगर शहर के अंदर से जाने की जिद की जाएगी तो मैं केस दर्ज कर लूंगा और बाद में गिरफ्तार भी करूंगा। हमने बोल दिया हूं कि सिटी का अंदर से नहीं जाना है, मेडिकल कॉलेज है, नर्सिंग होम है, आप अल्टरनेटिव रास्ता जो भी आप मांगेगा हम आपको अनुमति दे दूंगा, लेकिन आप सिटी का अंदर से ही जाने का जेट करेगा तो मैं कोई पुलिस का व्यवस्था नहीं करूंगा, मैं वायलेशन का केस रजिस्टर कर लूंगा और बाद में 2-3 महीना सुनाव का बाद मैं अरेस्ट कर लूंगा, अभी मैं कुछ नहीं करूंगा। अब जैसी सीएम ने चेतावनी दी वैसा ही काम कर दिया। दरअसल असम के जोरहाट में पहुंचने पर भारत जोड़ो न्याय यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। कांग्रेस की इस यात्रा पर इल्जाम लगाया गया है कि यात्रा के लिए पहले से जो रूट तय किया गया था उस पर नहीं जाकर बल्कि दूसरे रूट पर यात्रा निकाली गई। इसी को लेकर यात्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यात्रा को केबी रोड की तरफ से जाना था, इसकी बजाय यात्रा को शहर में एक अलग रूट पे ले जाया गया। इससे इलाके में अराजक स्थिति पैदा हो गई। लोगों की अचानक भीड़ की वजह से कुछ लोग गिर गए और भगदड़ जैसे हालात बन गए। हालांकि कांग्रेस ने अपनी यात्रा पर हुए इस केस को लाइटली, बहुत लाइटली लिया है। एफआईआर के जवाब में कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि असम के मुख्यमंत्री को जो करना है उन्हें करने दीजिए, हम नहीं डरते, हमें चुनौती मंजूर है। असम के मुख्यमंत्री बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं, परेशानी में हैं, और जहां तक कि कांग्रेस की बात होती है और राहुल जी की बात होती है, असम के मुख्यमंत्री अपना मानसिक संतुलन खो बैठते। मुख्यमंत्री जी, भारत जोड़ो न्याय यात्रा और 6 दिन असम में चलेगी, कोई शक्ति इसे रोक नहीं सकता। असम के मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूं, डरो मत हिमंता। वहीं इन सब भसड़ से पहले असम में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा पर बहुत भयानक हमले बोले। राहुल ने कहा कि असम सरकार बीजेपी रूपी नफरत की खाद से उपजी भ्रष्टाचार की फसल है। असम का मुख्यमंत्री हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट मुख्यमंत्री है, जिसका सिर्फ एक काम है, नफरत की आड़ में जनता का पैसा लूटना। पैसों की ताकत असम के लोगों की शक्ति को कभी नहीं हरा सकती। हिंदुस्तान का सबसे भ्रष्ट चीफ मिनिस्टर, सबसे करप्ट चीफ मिनिस्टर असम का चीफ मिनिस्टर है। सही बात बोली। परिवार के सब मेंबर, चाहे बच्चे हो, वो स्वयं हो, उनकी बीवी हो, कोई ना कोई करप्शन में सबके सब लगे हुए एक साथ। और वो सोचते हैं, देखिए, वो सोचते हैं कि पैसे से पूरी असम की जनता को खरीदा जा सकता है, क्योंकि उनको पैसे से खरीदा जा सकता है, इसलिए वो सोचते हैं कि पूरी असम की जनता को पैसे का खरीदा जा सकता है। असम की जनता पैसे से नहीं खरीदी जा सकती, कोई कीमत ही नहीं है। अब भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर जो ये एफआईआर दर्ज हुई है, इस पर आप दर्शक क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।